इसी चौराहे पर हमने कहा था कि इन दुष्टों का ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं और सच्चाई को आप किसी भी सीमेंट किसी भी सिक्कड़ किसी भी चीजों से दफन कर नहीं कर सकते वो आज नहीं कल उभर के आना। इनको डर था कि अगर हम और ज्यादा लंबा समय रह गए तो जो हमारे विरोधी हैं इस राज्य में मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आने वाला समय में इस राज्य में दिया लगाकर घूमने से भी वो लोग नहीं मिलते। आपको मालूम है बड़ा चतुराई से पिछले बार चंद गिनती का वोट से इन लोगों ने षड्यंत्र करके हराया। हम लोग को समझ में नहीं आया ये कहानी क्या हो रहा तो ठीक है चलो एक बार हो गया अब दूसरा होगा जब बाहर आया तो ऐसा इन्होंने किया ठोका है कि वहां पर हमको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने वाला भी आदमी मिलेगा। अब आने वाला समय इनको राज से एक एक खेत में जो भाग का खेत में जो वो घास निकल आता है घास निकल जाता है क्या बोलते हैं बिया 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 उसका एक एक करके निकाल करके हर राज से तरीके से वहाँ कहाँ जाए प्रभाव अपने षड्यंत्र में फंसाकर विगत 5 महीनों तक जेल में रखा झारखंड आदिवासी गरीब पिछड़ा गरीब युवा राज हम लोगों को थोड़ा समझने में इनकी चाल को समझने में करते आई और उसका परिणाम है न्यायालय ने मुझे बाहर निकाला न्यायालय से न्याय मिला और न्यायालय के न्याय में जो चीजें आदेश दी गई है जो चीजें लिखी गई है वो पूरे देश और राज्य के लोग पढ़ रहे हैं। आज इन 5 महीनों में शायद ये राज और आगे बढ़ सकता था जो हमने गति देने का प्रयास किया उस गति को हम लोग बहुत और रफ्तार दे सकते थे लेकिन इनको डर था कि अगर हम और ज्यादा लंबा समय रह गए तो जो हमारे विरोधी हैं इस राज्य में मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आने वाला समय में इस राज्य में दिया लगाकर घूमने से भी वो लोग नहीं मिलते। और आपको याद होगा देर रात इसी चौराहे पर हमने कहा था कि इन दुष्टों का ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया और आज हम इस बात को हमेशा बात के चले हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं और सच्चाई को आप किसी भी सीमेंट किसी भी सिक्कड़ किसी भी चीजों से दफन कर नहीं कर सकते वो आज नहीं कल उभर के आना। हमारे साथ अभी ड्यूटी सांसद कालीचरण जी यहाँ है आपको मालूम है बड़ा चतुराई से
गिनती का वोट से इन लोगों ने षड्यंत्र करके हराया। हम लोग को समझ में नहीं आया ये कहानी क्या हो रहा, तो ठीक है चलो एक बार हो गया। अब दूसरा होगा जब बाढ़ आया तो ऐसा इन्होंने किया धोखा है कि वहां पर हमको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने वाला भी आदमी मिलेगा। आज संविधान को समाप्त करने का जो षड्यंत्र किया था और संविधान में इस देश का जो गरीब गुरुआ इस राज्य का किसान आदिवासी गरीब मुखिया लोग को जो संरक्षण मिला था उसको खत्म करने का इन लोगों ने जो संकल्प लिया है, जनता ने ही नहीं ऊपर वाले ने भी इनको नहीं बख्शा। अब आने वाला समय इनको राज से एक एक उतार खेत में जो भाग का खेत में जो वो घास निकल आता है घास निकल जाता है क्या बोलते हैं उसको एक एक करके निकाल देते हर राज्य हमारे जिंदा।